के पेड़ के बारे में तो सब जानते होंगे, ऐसा पीपल के पेड़ में लोग जल भी देते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा सुनने को आता है कि घर में भूल कर भी पीपल का पेड़ ना लगाएं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे कई सारे रीजन भी है जो संतोष कुमार चौबे बताएंगे, जो कि ज्योतिष आचार्य रांची के जाने माने। संतोष जी, घर में पीपल का पेड़ मनाने से लगाने से सख्त मना ही है, ये क्यों है एक्चुअली, इसका रीजन क्या है इसके पीछे? पीपल वृक्ष अपने आप में देव वृक्ष है और इसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे घर के पास इसको लगाने से शास्त्र इसलिए मना करता है क्योंकि पीपल वृक्ष इतना ज़्यादा सकारात्मक है कि उसको जहाँ पे लगा दिया जाता है उसके आसपास की सारी धनात्मक ऊर्जा जो होती है, जितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है वो अपने पास खींच लेता है। तो वो क्या करता है, अगर घर के पास आप लगा दिए तो घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा को खींच लेगा, जिसके कारण से आपके घर में दरिद्रता, बीमारी, अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगेंगी। और दूसरा एक ये भी कारण है कि पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होने लगता है और उसके साथ साथ सभी पितरों का भी वास होने लगता है, तो अनेक प्रकार के ऐसे भी ऊर्जाएं आ जाती है वहां पे जो साधारण घर के आसपास होना ठीक नहीं है। और मुख्य कारण यही है कि पीपल वृक्ष सारी धनात्मक ऊर्जा को खींच लेता है और आसपास के क्षेत्र, तो घर में मतलब बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। घर में आने का मतलब है समस्या होना चालू हो जाना है। पीपल वृक्ष, बरगद का वृक्ष, पाकड़ का वृक्ष बिल्कुल नहीं लगाएं, उसके साथ में कटीले वृक्ष और साथ में लोग फैशन के रूप में कैक्टस लगाते हैं घर में। देखिए कटीले वृक्ष लगाने से समझ लीजिए शत्रु वृद्धि का काम करता है, दूध वाले वृक्ष लगाने से जो है संतान